अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है AIMIM और BJP को लेकर, क्योंकि कारवान के कॉर्पोरेटर और जिया गुड़े के कॉर्पोरेटर के बीच में कुछ बहस और तकरार हो गई, किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो गया। और वहीं पर BJP के कॉर्पोरेटर ने इल्जाम लगाया है कि AIMIM के कॉर्पोरेटर ने इन पर हमला भी किया है। खैर बहरहाल इसी बात को लेकर बात कुछ आके ही बढ़ गई, फिर बात उसके पुलिस केस भी होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये दो दोस्त आपस में किस तरह से लड़ते हुए नजर आए। समझना, मेरे डिवीजन का हर चीज मेरे नाले से खाता, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, याद रखना। अच्छा ठीक है, वीडियो वीडियो लगा रहे ना, उनको जवाब देता हूँ भाई। ओके सर, प्राइवेट है, बाप की जागीर है, किसी की बाप की जागीर नहीं है, आज कारवान के कॉर्पोरेटर जी मेरे जियागुड़ा डिवीजन के अंदर थोड़े MIM कार्यकर्ता को लेके आए। लेके आने के बाद वहाँ पर आंगनवाड़ी टीचर से वल्गर बात करे, वो हमको हमारे को मालूम पड़ा। एज ए कॉर्पोरेटर मैं जियागुड़ा डिवीजन बोहिनी दर्शन को मेरे को मालूम पड़ा। मैं वो प्लेस पे गया जहाँ पर आंगनवाड़ी है, रंगनाथ टेम्पल के बाजू में रंगनाथ वेलफेयर एसोसिएशन, मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर थोड़े रउडीज जो TRS के MIM के जो रउडीज है मेरे ऊपर वल्गर भाषा करके, मेरे कास्ट गालियाँ दे के मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करे। मेरे साथ दो कार्यकर्ता थे, वो लोग भी आए, वो लोग हम उससे भी आतापाई हुआ। हम इमिडिएटली पुलिस वालों को फ़ोन करे, फ़ोन करके जो है सो पुलिस फोर्स आ गया वहाँ पर, और पुलिस स्टेशन को आके हम उन पर कंप्लेंट करे। और जो भी वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा, जो वो बस्ती का नहीं होता, रंगनाथ वेलफेयर एसोसिएशन कई सालों से चल रहा, उनके पास पूरा रजिस्ट्रेशन के साथ हर डॉक्यूमेंट है, और आप कोई भी होना है तो चेक कर सकते हैं। इतने 40-50 साल से वो मेंटेन कर रहे, वो रजिस्टर्ड है, वो लोगों को डिस्टर्ब कर दूसरे बस्ती वाले आके डिस्टर्ब कर रहे। मैं गया तो मेरे को भी वल्गर बात करे, मैं आके कंप्लेंट करा और पुलिस वाले से नम्र निवेदन है कि वो लोग एक्शन लेकर उनके ऊपर FIR बुक कर रिमांड करना चाहिए। MLA साहब, MP साहब, यहाँ पर कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी बेस पीसफुल चल रहा, यहाँ पर जो भी कम्युनल एक्टिविटीज होने वाले नहीं होना चाहिए। आप यहाँ के MLA है, हम आपको इज्जत करते हैं, मेरे भी MLA है। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे डिवीजन में क्या चल रहा है बोल के पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा, उसका आपको पूरा क्लियरिटी दूंगा। आप मेरे को पूछे नहीं, कोई बात नहीं साहब, आप बड़े हैं MLA। हाँ भाई, आप किस किस के ऊपर कंप्लेंट दिए? वहाँ पर जो है दो तीन बच्चे है, किशोर और एक उसका भाई है, वो सामी गौड़ को कुछ नाम है अभी, वो लोगों पे हम कंप्लेंट करें, जो हमारे ऊपर हमला करे उनके ऊपर कंप्लेंट करें, एक्शन लेके इमिडिएटली अरेस्ट करना बोल के डिमांड कर रहे ना। नन्नु वल्गर का माटलाड़ी ना जाति तिटी वालंदर पैना अल्ट्रासिटी केस पेटी मेम अंदर पेर्लू राशनम अंदर दानिकी कापी मीकु कूडा इस्तामु, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి ఇమీడియట్లీ రిమాండ్ చేయాలి। గాజీ కిడ్నీ సెంటర్ అండ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుర్దే ఔర్ బవాసీర్ కే ఇలాజ్ కా 40 సాలా మషూర్ హాస్పిటల్ జహాన్ హజారో పేషెంట్స్ క్యూర్ హో చుకే హై। డాక్టర్ హుసైనీ ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ ఔర్ దూసరే డాక్టర్స్ ఔర్ లేడీ డాక్టర్స్ కి జేర ఖిద్మత్ గుర్దే కే తమామ్ అమ్రాజ్ కా ముకమ్మల్ ట్రీట్మెంట్ కియా జా రహా హై। గుర్దే फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद। सेल 9996930824 या 9391326261।